चटपटी और मसालेदार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाइए और हर एक न्यूज सबसे पहले पाइए। छठ पूजा के मौके पर बिहार और झारखंड के बॉक्स ऑफिस पर भोजपुरी फिल्मों के जुबली स्टार दिनेश लाल यादव ने रहुआ कि सबसे सफल फिल्मों की सीरीज का तीसरा पार्ट रिलीज किया गया। जी हां, दिनेश लाल यादव ने रहुआ और आम्रपाली दुबे के साथ साथ सुबी शर्मा अभिनीत भोजपुरी मूवी ने रहुआ हिंदुस्तानी 3 बिहार और झारखण्ड के बॉक्स ऑफिस पर छठ पूजा के मौके पर रिलीज किया गया और रिलीज होते ही बिहार और झारखण्ड के बॉक्स ऑफिस पर निरहुआ हिंदुस्तानी का जलवा बखूबी सिनेमा घरों में देखने को मिला। जी हां, भोजपुरी दर्शकों ने निरहुआ हिंदुस्तानी 3 को हाथों हाथ उठा लिया, यानी सभी सिनेमा घरों में निरहुआ हिंदुस्तानी 3 का जलवा भोजपुरिया बॉक्स ऑफिस पर देखने को मिला और पहला दिन ही रिकॉर्ड तोड़ कलेक्शन किया है और रिकॉर्ड तोड़ भीड़ सभी सिनेमा घरों में देखने को मिला है। ऐसे में सभी भोजपुरिया दर्शक यह जानना चाहते होंगे कि फिल्म का पहला और दूसरे दिन का कलेक्शन क्या रहा होगा। हालांकि आपको बता दें कि फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर या फिर फिल्म के प्रोड्यूसर की तरफ से अभी तक कोई भी ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं किया गया है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट की माने तो फिल्म ने पहले दिन करीब 5 लाख से ऊपर का बिजनेस किया, तो वहीं दूसरे दिन इस फिल्म का और कलेक्शन बढ़ चुका है। जी हां, दूसरे दिन भी खबर आ रही है कि फिल्म का कलेक्शन करीब 6 लाख से ऊपर का बिजनेस रहा होगा। हालांकि आपको बता दें कि दोनों दिनों का कलेक्शन मिलाकर कहा जाए तो करीब करीब 12 लाख से ऊपर का ही बिहार और झारखंड में रहा होगा। हालांकि ये ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं है। आपको बता दें कि निरहुआ हिंदुस्तानी 3 में निरहुआ और आम्रपाली दुबे और सुबी शर्मा का जोरदार अभिनय भोजपुरी दर्शकों को काफी ज्यादा पसंद आ रहा और निरहुआ हिंदुस्तानी 3 पूरी तरह से फुल ऑन पारिवारिक फिल्म है, जिसे भोजपुरी दर्शक देखकर काफी ज्यादा आनंदित हो रहे हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक निरहुआ हिंदुस्तानी 3 नहीं देखा है तो आप अपने नजदीकी थिएटर में जाकर निरहुआ हिंदुस्तानी 3 जरूर देखें और हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको निरहुआ हिंदुस्तानी 3 कैसी लगी।